जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल में क्या होगा? क्या सभी को 5 किलोमीटर की रनिंग होगी या अलग अलग फिजिकल होगा? फिजिकल होने के तुरंत बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या कुछ समय के बाद लिया जाएगा? ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होगा? कितने नंबर आपको लाने पर पास होंगे? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा ढेरों शुभकामनाएं जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फिजिक यानी कि रिटर्न को क्वालिफाई कर लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल फिजिकल में क्या होगा। दोस्तों फिजिकल के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और कुछ ट्रेड के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसके अंदर कौन से ट्रेड के लिए कितने किलोमीटर की रनिंग होगी, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग जो है आपको ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर, बिगलर, ये जो है मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है वो दोनों के लिए मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि उन्हें 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों रनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रनिंग के ऊपर भी मेहनत करनी होगी क्योंकि ये जो है 5 किलोमीटर, दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग जो है एक दिन या फिर 2 दिन के अंदर आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो अभी से इसके अंदर आप जुड़ जाइए रनिंग के अंदर जिससे कि आपको डिस्क्वालीफाई ना हो। अब बात करते हैं 1.6 किलोमीटर जो कि 10 मिनट के अंदर पूरा करना रहेगा, कौन से ट्रेड है इसमें। सबसे पहले कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन और वुमेन, सफाई कर्मचारी। अब इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 10 मिनट के लिए और इसी ट्रेड के लिए अगर फीमेल ने अप्लाई किया होगा तो वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 12 मिनट में। दोस्तों इसका समय ज़्यादा है लेकिन आपको इसके लिए भी आपको प्रयास करना है जिससे कि आप कभी भी इसमें फेल ना हो। अब बात करते हैं पाइनर ग्रुप की जिसके अंदर आता है मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी भी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी लेकिन इनको टाइमिंग थोड़ा कम दिया जाएगा। कितना टाइमिंग दिया जाएगा, 9 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको रनिंग के मुताबिक किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने किस प्रकार से रनिंग किया जाता है, 5 किलोमीटर की रनिंग को किस प्रकार से आप 24 मिनट में कंप्लीट करें उसके ऊपर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसके अंदर वर्कआउट प्लान के साथ साथ डाइट भी बता रखा है कि आप वो डाइट लेने से आप इजिली पास कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे आप फिजिकल के अंदर ये करते हैं उसके बाद में आपका चेस्ट होगा जो कि नॉर्मल 80 और फुलाने के बाद 85 होगा। अब आपका जो है मेन इसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों को किसमें तकलीफ होती है, हाइट के मुताबिक वेट देखा जाता है। इसमें अंडरवेट भी आते हैं, ओवरवेट भी आते हैं, उसके मुताबिक भी मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपका हाइट के मुताबिक वेट है या नहीं, वेट आपका कम है या ज्यादा है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा कि सर मेरा इतना हाइट है, मेरा वेट सही है या नहीं, तो मैं डेफिनेटली आपको उसका कमेंट्स का जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर तो हमारा जो है ये फिजिकल है, इस फिजिकल को आप जैसे ही पास करते हैं फिजिकल के पास करने के तुरंत बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं, काफी लोग कह रहे हैं कि तुरंत ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो एसीएम की भर्ती हुई थी या पहले जो भर्ती हुई थी जिसके अंदर देखा गया था कि सीआरपीएफ के द्वारा एक ही साथ फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डीवी ये चारों को एक साथ ही ऑर्गेनाइज करवाया गया था जिससे कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे सके। तो हो सकता है कि आपके साथ भी इसी प्रकार से होगा, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें ट्रेड टेस्ट के लिए भी। तो जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, फिजिकल कंप्लीट होने के अगले दिन ही आपके आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा या ट्रेड टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे मेजर बात आती है ट्रेड टेस्ट की, आपके चाहे रिटर्न में कितने भी नंबर आए हों वो डजन मैटर। देखिए दोस्तों अगर आप ट्रेड टेस्ट फेल होते हैं तो आपके अगर 100 में से 80 नंबर भी आ रखे हैं तो वहीं पे आपका सफर समाप्त हो जाएगा और वापस अपने घर की ओर चले जाएंगे और आपका जो नौकरी हासिल करने का या जॉब हासिल करने का, वर्दी पहनने का जो सपना है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है फिजिकल के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने ट्रेड टेस्ट पे क्योंकि आप एक ट्रेड के लिए भर्ती हो रहे और वो ट्रेड का काम आपको आना चाहिए। तो किस प्रकार से ट्रेड के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप ट्रेड टेस्ट को इजीली पास कर सकते हैं, मैंने हर एक ट्रेड का डेफिनेटली वीडियो बना रखा है, आप मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जिस भी आपने ट्रेड के लिए अप्लाई किया होगा आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाइएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी ऐसा प्रश्न आ रहा हो कि भाई मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सर ट्रेड टेस्ट तो होगा, ट्रेड टेस्ट क्या नंबर का होगा या सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ट्रेड टेस्ट का टोटल आपका 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसके अंदर होगा कि सर लिखित में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या मौखिक लिया जाएगा। देखिए ये आपको लिखित में नहीं लिया जाएगा लेकिन वर्बली या मौखिक या फिजिकली आपको कराकर दिखाया जाएगा।
अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप कुक के लिए भर्ती हो रहे हैं तो कुक का काम करा कर आपको देखा जाएगा, और कुक के समान या फिर किस प्रकार से कुक में कितना सराशन या क्या लगता है उसके बारे में आपको वर्बली पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। काफी बच्चे के मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर क्या BSF और SSB ITBP की तरह यहाँ पर भी SS जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या नहीं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नोटिफिकेशन में तो अभी तक इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, और अभी तक तो कुछ बताया नहीं, CRPF की पुरानी वैकेंसीज के अंदर भी मांगा नहीं गया है, तो आप निश्चिंत रहिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में ऐसा डाउट है कि नहीं सर मैं क्या करूँ, तो स्किल इंडिया कर वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और वहां से अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका मेन फोकस किस पे है, ट्रेड टेस्ट पे। ट्रेड टेस्ट की वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट्स कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेड टेस्ट के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, जहाँ कि आपको उतने नंबर तो लाने ही होंगे, अन्यथा आपके रिटर्न में कितने भी नंबर होंगे वहीं पे आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 50 में से 20 नंबर आपको रिटर्न में लाने होंगे, तो किसी भी प्रकार से आप अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए। देखिए हो सकता है कि आपको उस ट्रेड का काम ना आता हो, आपने कभी नहीं किया हो, लेकिन अभी आपके पास समय है, जुलाई के सेकेंड वीक या फिर जून के आखिर में, जून या जुलाई के बीच में आपकी ये फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, और जिसके अंदर आपका एक साथ ये सब कुछ लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी समय बहुत कम है, अगर आपको जॉब हासिल करना है, वर्दी हासिल करना है, तो आपको पूरा मेहनत करना होगा, तभी आप सफल होंगे, और ये मेहनत आप ही को करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको जॉब हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट अब में अगर आपने पास हो गए, ट्रेड टेस्ट के पास होने के अगले दिन आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। देखिए ट्रेड की वैकेंसी है तो इतना टफ मेडिकल नहीं होता है, लेकिन जो वर्बली जो मेडिकल है उतना मेडिकल होता ही है, और उसके अंदर आपको पास होना रहेगा। तो अभी अगर आपका मेडिकल के संबंधित किसी प्रकार को कोई भी डाउट हो, कैसे मेडिकल होता है सर, कैसे CRPF के अंदर कैसे होता है, क्या नहीं होता, तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर कर रखे हैं, उसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देख चेक कीजिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल ना रहे। क्योंकि काफी बच्चों के मेरे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सर कि क्या ये मेरे लिए, सर मेरे को इसमें अनफिट कर देंगे या फिर इसमें अनफिट कर देंगे। वो एक माइनर चीज है, उसको आपको दिमाग से निकाल देना है, जो आपको चेक करते हैं मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाके चेकआउट कीजिएगा, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। दोस्तों अधिकतर तो मैंने सारे ट्रेड के वीडियो बना रखे हैं, बट कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिसके वीडियो अभी बनाए नहीं है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, हमारे जितने भी फोर्स में है उनसे मैं पूछ रहा हूँ किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं, और उसी उन्हीं के एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर कोई ट्रेड का वीडियो नहीं है और किसी को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल बाकी रहा हो कि सर मैं CRPF ट्रेड्समैन की रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, फिजिकल, मेडिकल या ट्रेड टेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की या फिर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और भी बेहतर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फौज की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।